तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में बात करते हैं थोड़ा निफ्टी 50 स्टॉक्स, और आज के दिन की सबसे ज़्यादा जानकारी देंगे हम स्टॉक्स के रिगार्डिंग, और निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में कितना ज़्यादा लोअर सर्किट पे जा रहा है मार्केट, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बातचीत करेंगे फ्रेंड्स। तो सबसे पहले न्यूज की बात कर लेते, तो ये न्यूज अपना चल रहा है, डो जोनस काफ़ी ज़्यादा ब्रेकआउट लेके आया है फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा मार्केट डो जोनस का काफ़ी ज़्यादा अपने एक साल के लॉस पे बंद हो रहा है फ्रेंड्स, और बहुत ज़्यादा इसमें दिक्कत की बात है। ऑस्ट्रेलियन मार्केट काफ़ी ज़्यादा लो है। तो बात करते हैं इंडियन मार्केट के निफ्टी 50 इंडेक्स की बात करते हैं सबसे पहले, तो ये अपना टाइम फ्रेम देख लेते हैं आप, एक मिनट का टाइम फ्रेम है और ये आज ही का चार्ट है फ्रेंड्स। देख रहे होंगे आप कितना ज़्यादा एक्टिव सेलर दिख रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि इतना ज़्यादा मार्केट एक टाइम पे ही गया था और आज 16826 रुपए पे जाके ट्रेड कर रहा है फ्रेंड्स। तो कोई भी गुंजाइश नहीं बची है यहाँ पे प्रॉफिट लेने की लोगों की, जो लोग बैठे हैं यहाँ पे कॉल के रेट में फ्रेंड्स। तो कॉल में यहाँ पे कोई भी आपको एक क्या कह सकते हैं आप, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे। आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा सेल ऑर्डर लगा है फ्रेंड्स, और काफ़ी ज़्यादा लॉस होते हुए दिख रहा है सभी को। लेकिन ये मार्केट में टाइम है, अभी का टाइम जो चल रहा है काफ़ी अच्छा रिसेशन का टाइम चल रहा है। यहाँ पे चाह सकते हैं इंडियन के लोग, यहाँ पे लोग पीपल सोच सकते हैं कि यहाँ से मार्केट गैप कर जाएगा या ऊपर जा सकता है, लेकिन अभी भी एक संकट टाइप बना हुआ है फ्रेंड्स। तो अभी भी आप बने रहिए इस वाले मार्केट में, देखते हैं ये खेल कहाँ तक जाता है, ये कितना नीचे जा सकता है और फिर मार्केट एक नया ब्रेकडाउन लेके नया निकलेगा फ्रेंड्स। अभी देख सकते हैं आप कितना ज़्यादा यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रहे हैं, एक नए लेवल बन रहे हैं, नए कुछ हो रहा है, लेकिन आप देख सकते हैं कितना मार्केट एक चार महीने के गैप डाउन के नीचे आ चुका है फ्रेंड्स। ये निफ्टी 50 का इंडेक्स जो आज 16826 पे है, कल की डेट में एक्सपायरी है फ्रेंड्स, आज भी 148 का एक माइनस में जाते हुए दिख रहा है फ्रेंड्स। तो बात करते थे थोड़ा इसमें निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की बात करते हैं थोड़ा। बैंक निफ्टी जो कि मुझे कुछ ज़्यादा इसमें एक्टिव नहीं हूँ मैं, मेरे को मालूम नहीं, लेकिन सिमिलर एज निफ्टी 50 की तरह, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लो ऑर्डर लग रहे हैं और 37,676.80 पर जाके क्लोज हुआ, -599 पॉइंट की भारी गिरावट के साथ बंद हो रहा है फ्रेंड्स। लगातार मार्केट 10 दिन से करीब करीब बंद नीचे की तरफ जाता जा रहा है। बात कर लेते हैं ITC स्टॉक्स की, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फेवरेट स्टॉक्स बना हुआ है पहले से टाइम से ही। अभी जो गिर के आ चुका है 324 रुपए पे जाके गिर चुका है फ्रेंड्स, 2.96 रुपए का आज परसेंट पे गिरा है ये, और काफ़ी अच्छी गिरावट इसमें देखने को मिली है। जो पुट ऑर्डर हैं OTM थी वो काफ़ी ज़्यादा हैवी में बिकी होंगी, अभी भी आप इसमें स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। मैं आपको इस स्टॉक्स की लेटेस्ट न्यूज लेके आता रहता हूँ, और इसका आप लेवल देख चेक कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसके आप लेवल देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लेवल इसके 348 टच कर गए थे फ्रेंड्स, और वहाँ से जो मार्केट में खेल स्टार्ट हुआ है वो तो आप देखने ही लायक था फ्रेंड्स। क्या खेल स्टार्ट हुआ है फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आज 326 पे आके ये मार्केट सस्टेन करते हुए नज़र आया है। यहाँ पे भी एक लेवल बन रहा है कि ये कल के डेट जो कैंडल बनी है वो एक अपवर्ड बनी है, लेकिन डाउनवर्ड भी जा सकते हैं फ्रेंड्स। देख सकते हैं यहाँ पे आप जो कैंडल बन रही है वो बहुत ही ज़्यादा अपवर्ड है, और देखिए आप कल से मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन में है, अभी भी देखिए कितना ज़्यादा मार्केट एकदम बुलिश हो गया है फ्रेंड्स। जब भी आप देखें मार्केट अगर बुलिश हो रहा है तो इसमें कोई भी एंट्री ना लें। EPL की बात कर देते हैं, EPL आने की बात करते हैं, तो EPL में आज थोड़ा प्रॉफिट में गया है मार्केट, लेकिन ये प्रॉफिट कुछ भी नहीं है गिरावट के मामले में। तो फ्रेंड्स इसमें देख रहे हैं आप 1% का इसमें बढ़ोतरी हुई है। मेरे पास अभी मार्केट में बहुत सारे कॉल आ रहे हैं फ्रेंड्स, तो मार्केट में कुछ भी नहीं है अभी इस टाइम पे। अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ से आप मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक्स बाय कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, बने रहिए हमारे साथ, थैंक यू फ्रेंड्स।